हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये आप देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल लेक्चर तीसरा है। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री के लेक्चर तीन कराए हैं और ग्राफी के भी तीन लेक्चर कराए हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया उसमें। और ये भी हमारा ये पॉलिटी का लेक्चर है। तो आप मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो ये रेलवे की पीवाई की सीरीज है वो है, ये जो सेशन है एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी आरआरबी जेई या कांस्टेबल टेक्नीशियन फर्स्ट एंड थर्ड। और आप किसी जी मतलब जीके के लिए आप इसको देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड किंगडम। तो जो यूके से क्या लिया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि यूके से कौन सी संविधान की विशेषता है यूके की। तो जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ की है, यूके की। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश भी बोलते हैं, ब्रिटिश या इंग्लैंड। तो और यहां से क्या लिया गया है, कैबिनेट गवर्नमेंट होती है वो भी यहीं से लिए गए, कैबिनेट सिस्टम। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये कहां से लिया गया है, रसिया से, या हम कह सकते हैं यूएसएसआर से। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कहां से ली गई है, हमारी यूएसएसआर से। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है तो ये कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो डीपीएसपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ये कहां से ली गई है, तो ये आयरलैंड से। तो देखिए, आपको प्रश्न यहाँ ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो डीपीएसपीज हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, या आयरलैंड से क्या लिया गया है, या जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट ली, मतलब आपको ऑप्शन इस तरह से ही देगा प्रश्न। और देखिए, आप मेन है नोट्स बनाए और रिविजन करें। रिविजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स विद रिविजन। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप नोट्स बनाएं और रिविजन करें उस चीज का। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, जो क्वासी फेडरल सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो क्वासी फेडरल सिस्टम है तो ये कैनेडा से लिया गया है। और जो कैनेडा से लिया गया है वो हमारा मतलब कैनेडा से जो हम जैसे जो सेंटर अपॉइंट करता है, सेंटर अपॉइंट द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो ये जो गवर्नर स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं तो ये कहां से लिया गया, कनाडा से। अब हम बात करते हैं यूएसए, तो यूएसए से क्या लिया गया है, जो महाभियोग इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो महाभियोग प्रेसिडेंट पर लगाया जाता है वो किसके द्वारा, कहां से लिया गया है, यूएसए से। और देखिए दूसरा, जो रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, तो ये भी कहां से लिया गया है, ये आपका यूएसए से लिया गया है। तो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज। तो और जो यूके से लिया गया है तो ये क्या लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप है,
और आपका जो कैबिनेट गवर्नमेंट है, कैबिनेट सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम, तो ये कहाँ से लिया गया है? यूके से, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश से, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड से, तो ये सारी चीजें ली गई हैं। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ हमने जो 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 चीज जहां से ली गई है, जो यूएसए ऑफ अमेरिका से लिया गया है वो है, देखिए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है, जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, तो ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और जो फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, तो ये भी कहाँ से? यूएसए से। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज कहाँ से है? यूएसए से। जो फंडामेंटल राइट है, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? यूएसए से। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड से, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये कहाँ से है? यूके से। और जो रूल ऑफ लॉ है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, सिंगल सिटीजनशिप है, कैबिनेट सिस्टम है, प्री प्रीरोगेटिव रिट्स है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, बाई कैमरलिज्म है, तो ये कहाँ से है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है ये सारी चीजें। और जो आयरलैंड से लिए गए हैं वो है डीपीएसपी, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बोलते हैं, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भी कहाँ से? आयरलैंड से। और जो मेंबर नॉमिनेशन, जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और जो जर्मनी से लिया गया है, जब कोई इमरजेंसी लगती है नेशनल या फाइनेंशियल, तो जो फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। तो अब हम बात करते हैं कनाडा से। तो कनाडा से जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ द फ्यूडलिज्म, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, जो सेंटर है ये मतलब स्टेट की अपेक्षा मोर स्ट्रॉन्ग है, तो ये कहाँ से ली गई है? और जो रेसिड्यूसी पावर ऑफ द सेंटर, और जो मतलब गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा। जो एडवाइजरी जुडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कनाडा से। और जो यूएसएसआर से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, आइडियल ऑफ जस्टिस है, सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है, जो प्रीएम्बल में आते हैं ये तीनों जो वर्ड हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से, या हम कह सकते हैं यूएसएसआर से। और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस से क्या लिया गया है? रिपब्लिक। आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। तो जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है वो लिया गया इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, और जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। और आर्टिकल जो अमेंडमेंट होता है कौन से आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत, जो संविधान में हम मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो आर्टिकल 368 के। और इसमें भी मतलब कुछ पॉसिबिलिटी रहती है, जैसे सिंपल मेजोरिटी रहती है, और जो प्रेसिडेंट की असेंट रहती है, और हाफ ऑफ द स्टेट स्पेशल मेजोरिटी रहती है, स्पेशल मेजोरिटी रहती है, और जो हाफ ऑफ द स्टेट रहते हैं वो भी रहते हैं, मतलब कोई मतलब जैसे बड़ा लॉ है तो उसको अपनाने के लिए हाफ जो आधे स्टेट की एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका भागीदारी होनी जरूरी है। और जो जापान से लिया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये कहाँ से लिया गया? जापान से। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा अगला प्रश्न है। तो अगला जो प्रश्न है वो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फ्रीडम ऑफ ट्रेड फीचर टेकन फ्रॉम द इंडियन क्वेश्चन, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है,
वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज ली गई थी, अभी आपको हमने बताया जो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट है ये भी कहां से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से। और जो मतलब ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा लोकसभा, तो ये भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब हम बात करते हैं आयरलैंड की, तो जो आयरलैंड से क्या लिए गए हैं? डीपी एस पीस, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं ये लिए गए हैं। और जो आपका यूएसएसआर, या हम कह सकते हैं कि ये रसिया, तो रसिया से क्या लिया गया है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो ये यूएसएसआर से या रसिया से ली गई। और जो आइडियल ऑफ जस्टिस हैं, जस्टिस आइडियल ऑफ जस्टिस हैं, जो थ्री वर्ड थे, सोशल सोशल इकोनॉमिक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिटिकल, तो ये तीनों वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? यूएसएसआर से। और जो जर्मनी से लिया गया है वो आपका लिया गया है कि जो फंडामेंटल को सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान, मतलब इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सस्पेंशन सस्पेंशन, तो ये कहाँ से लिया गया आपका? जर्मनी से। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है फ्रॉम विच कंट्री। थोड़ा हम यहाँ आपको पेन का जो कलर है वो चेंज कर, फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। और यूएसए से क्या लिया गया है? जुडिशियल रिव्यू ली गई है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल जो रिव्यू है ये भी कहाँ से ली गई है? यूएसए से। और आपका जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज, तो ये कहाँ से? यूएसए से। और अब हम बात करते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से अभी आपको बताया था जो सस्पेंशन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, तो ये कहां से लिए गए हैं आपके? जर्मनी से। और जो फ्रांस से लिया गया है वो कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से। और जो फ्रांस से तीन वर्ड और लिए गए थे, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो प्रीएम्बल में है ये इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये कहां से लिए गए हैं आपके? फ्रांस से लिए गए हैं। और जो जापान से लिया गया है वो लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, हम यहां लिख देते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, तो ये कहां से लिया गया है? जर्मनी से। तो आगे जो हमारा प्रश्न है वो है द सेक्शन ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये कहाँ से ली गई हैं? यूएसएसआर से, या हम कह सकते हैं रसिया से। तो और जो यूएसए से लिया गया है वो आपका इम्पीचमेंट ऑफ द, मैं इसीलिए आपको इम्पीचमेंट
मतलब बार बार रिवाइज करा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या जो रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो लिया गया है, और जो आपका इंग्लैंड से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप है, आप शॉर्ट में, मैं शॉर्ट में बोला, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया गया है, और जो कैबिनेट सिस्टम है वो लिया गया है, और बाई कैमरलिज्म भी यही कहाँ से लिया गया है, आपका यूके से, या हम कह सकते हैं इंग्लैंड से। और आपका जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, ये भी कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। और आपका जो मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी से जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको सस्पेंड करना, सस्पेंड, तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपको याद हो जाए, आप यही याद हो जाएंगे आपको, आप वीडियो को अच्छे से देखें और आप शब्दों पर ध्यान दें कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप आपको याद हो जाएंगे, ये है कि आपको श्योरली 100% याद हो जाएंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर बाय द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इम्पोर्टिंग द प्रीवियस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या लिया गया है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो आयरलैंड से लिया गया है वो है डीपीएसपीज, आप ये याद रखें। और जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है वो है आपका कॉनकरेंट जो लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट। और जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। और जो कनाडा से लिया गया है आपका, मतलब गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट रहती है, अपॉइंट करता है सेंटर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर, तो कहाँ से आपका, कनाडा से लिया गया है ये। तो आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो हमारा प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन द इंडियन स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन फ्रॉम। देखिए आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे सारे के सारे, बस उनको घुमा दिया जाएगा कि ये चीज कहाँ से ली गई है। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वीडियो देखें, रिवाइज करें, मेन है आप अपने नोट्स बनाएं, उनको फिर बार बार रिवाइज करें, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो कहां से लिए गए, आयरलैंड से, डीपी डीपीएसपीस, तो कहां से। और देखिए यहां अब ग्रेट ब्रिटेन लिख दिया आपको, यूके भी लिख सकता था, या इंग्लैंड भी लिख सकता था, या ब्रिटिश भी लिख सकता था, तो ये भी है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया था, कैबिनेट सिस्टम लिया गया था, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ली गई थी ब्रिटेन से, और आपका जो प्रीरेरोगेटिव रिट्स हैं ये भी यहाँ से लिया गया था, रूल ऑफ लॉ भी लिया गया था जो ब्रिटेन से। और अब हम बात करते हैं कि यूएसए से, यूएसए से क्या लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लिया गया है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए हैं, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज, तो ये भी लिया गया है, और जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए से। तो अब हम बात करते हैं कनाडा की, कनाडा से क्या लिया गया है, जो अपॉइंटमेंट की जाती है गवर्नर की सेंटर के द्वारा, तो गवर्नर टू अपॉइंट बाय द सेंटर, तो ये कहां से लिया गया, कनाडा से। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच फॉरिजन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। देखिए अब क्या दिया है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कहां से लिया गया है, यूके से। अब देखिए ऑप्शन में आपको अस्टवाइल
अर्स्टवाइल यूएसएसआर दे दिया, इसको हम रसिया भी बोलते हैं, रसिया भी बोलते हैं। रसिया से क्या लिया गया है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो तीन मतलब आइडियल ऑफ जस्टिस हैं, जैसे सोशल है, सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है, तो ये तीनों सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं, यूएसएसआर। और जो आपका यूएसए से क्या लिया गया है, तो यूएसए से आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज है, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू है, और आपका जो जैसे आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, यूएस यूएसए से। और जो जर्मनी से क्या लिया गया है आपका, नेशनल मतलब इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन, तो ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। तो देखिए चाइना, चाइना तो आप वैसे भी हटा सकते हैं, चाइना से कुछ नहीं लिया गया, अमेरिका से आपका, मैं आपको फिर रिवाइज ही करा रहा हूँ, आप ये नहीं कि भाई ये है, आपको मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, फंडामेंटल राइट्स हैं और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज हैं, जुडिशियल रिव्यू है आपका, और जो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका से लिया गया है। और जो आयरलैंड से लिया गया है वो है डीपीएसपी। तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, आपके यहाँ से सारे क्वेश्चन सॉलिड हो जाएंगे, अगर इस टॉपिक से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप ये वाला वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडिपेंडेंस एंड फ्रेटर्निटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड विच कंट्री, जो फ्रेटर्निटी है वो कहाँ से लिया गया है, तो जो फ्रेटर्निटी है वो फ्रांस से लिया गया है, जो इक्वलिटी, इक्वलिटी और लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। और जो रसिया से आपका क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अमेरिका से इम्पीचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज हैं, और आपका जर्मनी से क्या लिया गया है, जो इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, सस्पेंशन, तो ये कहाँ से लिया गया है आपका, जर्मनी से। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो अब तो आपको रट गया होगा, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कहाँ से। तो इसका जो राइट आंसर है सोवियत यूनियन। देखिए इसको हम जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, रसिया भी बोलते हैं। देखिए एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए कहीं से भी प्रश्न दे सकता है इस तरह के। और जो यूके से क्या लिया गया है, रूल ऑफ लॉ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप है। और जो अमेरिका से है आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू है और रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज हैं। और आपका जो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, कॉनकरेंट लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आपका जॉइंट सिटिंग जो है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग, बोथ हाउस ऑफ, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो ये है हमारा अगला प्रश्न।
emergency provision mentioned in the Indian Constitution is taken from the Constitution. जो emergency provision है वो कहाँ से? जर्मनी से लिया गया. The suspension of the fundamental rights during the emergency. तो ये कहाँ से लिया गया? जर्मनी से. आपको अमेरिका से जो है preamble of the Constitution है, removal of the judge, judicial review है. UK से रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है, और सिंगल सिटीजनशिप है, और आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कैबिनेट सिस्टम है, और जो कनाडा से है वो है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है गवर्नर को. तो ये कहाँ से? कनाडा से लिया गया है. तो थैंक यू. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें. लेकिन ये है, अगर आपको बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं. आपका एक लाइक तो बनता ही है.